जय हिंद। हाल ही में चीन ने अलीबाबा और टेंसेंट कंपनी पे बहुत मोटा सा जुर्माना लगाया है, लगभग $75,000 का जुर्माना लगा दिया है। क्यों लगाया, कैसे लगाया, इस बात का हम आगे चर्चा करेंगे। खबर विस्तार से सुनिए। चीन के एकाधिकार विरोधी नियामक, जिसे एंटी मोनोपोली रेगुलेटर ने अपने तेजी से विकसित हो रहे उद्योग पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए नए कदम में अलीबाबा और टेंसेंट पर जुर्माना लगाया है। अलीबाबा और टेंसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। अन्य कंपनियां में हिस्सेदारी हासिल करने जैसे कार्यों के लिए उन पर 5,00,000 युआन लगभग $75,000 का जुर्माना लगाया गया था, जो अनुचित रूप से उनकी बाजार शक्ति को बढ़ा सकता था। नियमों का उल्लंघन करने वालों में अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली 6 कंपनियां, टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 और retailer.com लिमिटेड की 2 कंपनियां शामिल है। प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए अलीबाबा पर अप्रैल में 3 बिलियन युआन लगभग $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये जुर्माना क्यों लगा, इतनी मोटी रकम का जुर्माना लगाना कितना उचित है। आइए इसे भी समझते हैं हम। ये जिनपिंग चाचा है ना, ये जिनपिंग चाचा एकदम दिमाग में पता ना इनका का भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, कूची भरा हुआ है, मोमो चाउमीन खा के गोल मटोल मुंह रखे हुआ है, ऊपर से इतना बूची बूची आँख है, देखिए ना आँख, देखिए था इनका। भाई चाइना में रहना है तो इन्हीं के हिसाब से रहना होगा ना, तो कहाँ उठा के फेंकेगा, कहाँ बंद करेगा, कोनो पता नहीं है। चीन के नेता सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों के दबदबे को लेकर चिंतित थे। ये कंपनियां वित्त, स्वास्थ्य सेवा और अनसंवेदनशील क्षेत्रों में विस्तार कर रही है, इसलिए उनके एकाधिकार को हतोत्साहित करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। अब बताइए, इसको अखंडे पूर्वक न कहेंगे हो, कौन नहीं चाहेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़े। जा हो चाचा, मान गए आपको भी कोरोना के गॉड फादर, कोरोना के खानदान कहेंगे तैयो कोनो दिक्कत नहीं हो आपको। ये है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग कंपनी के मालिक जैक मा। इनको तो पिछले समय में कहाँ ना कहाँ बंद किए हुए थे, छुपा के रखे हुए थे, कई दिन तक इनको नज़रें नहीं आए। आइए हम जैक मा के कंपनी अलीबाबा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो कृपया ध्यान देकर सुनिए। यह चीनी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसे अलीबाबा ग्रुप और alibaba.com के नाम से भी जाना जाता है। ई कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में माहिर है। इसकी स्थापना 28 जून 1999 को हांगजोज है जियांग में हुई थी। यह वेब पोर्टलों के माध्यम से उपभोक्ता से उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, व्यवसाय से उपभोक्ता यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और व्यवसाय से व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस बिक्री सेवाएँ प्रदान करती है। यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएँ, शॉपिंग, सर्च इंजन और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएँ भी देते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े खुदरा विक्रेताओं में से एक है। इसे 2020 में 5वीं सबसे बड़ी कृत्रिम उद्यमिता कंपनी के रूप में नाम दर्ज की गई है। अब आगे बात करते हैं हम टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। खैर, बिल्डिंग तो बड़ा बढ़िया बनाया हुआ है। चीन की यह बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी। इसकी सहायक कंपनियां मनोरंजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीक सेवाएं में प्रदान करती है। होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।